Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. इंटरनेट पे ऑथेंटिकेशन करने के कौन कौन से तरीके जानते हैं आप? वेब एप्लीकेशंस की जब बात करें तो आपने सुना होगा नाम कुकीज सेशंस का, जो हम ब्राउजर पे स्टोर करते हैं लोकली और फिर हर रिक्वेस्ट पे भेजते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको? सबसे पहली बात तो आप जानते होंगे HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, मतलब वो सर्वर जो है हर रिक्वेस्ट के बाद आपको भूल जाएगा कि आप कौन हो, तो हर बार हर रिक्वेस्ट पे वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है जो उस इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो हर बार आपको सेशन आईडी दिखानी पड़ेगी हर रिक्वेस्ट पे और उसको बताना पड़ेगा हर बार कि आप कौन हो। इस तरीके से HTTP काम करता है। ये मैकेनिज्म स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए हेल्पफुल है, जब आपको सिर्फ URL देना पड़ता है, बस एक पेज जो आपको चाहिए उसका URL दे दो, वो पेज खुल जाएगा। फिर अगर दूसरा पेज खोलना है तो उसका URL दे दो दूसरा, वो खुल जाएगा। इसमें कुछ भी यूजर स्पेसिफिक नहीं होता है। जब डायनामिक वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल कि मुझे प्रोफाइल पेज खोलना है, हर यूजर का एक प्रोफाइल पेज है, तो वो किसका प्रोफाइल दिखना चाहिए आपको, ये आप उसको बताओगे हर रिक्वेस्ट पे कि आप कौन हो। ये डायनामिक के केस में होगा। अभी मार्केट में एक नया टर्म पॉपुलर हो रहा है, JWT, जेसॉन वेब टोकन। ये एक रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी है, मतलब स्टैंडर्ड है, 2010 में पहली बार पब्लिश हुआ था, ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब RFC 7519 में डिफाइंड है इसके स्टैंडर्ड्स, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है जॉट के नाम से, अगर आप चाहें तो JWT बोल सकते हैं। लेकिन ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन जेसॉन फॉर्मेट। लेकिन सेशन तो था हमारे पास, कुकीज थी, सेशंस थे, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है ये? सिक्योरिटी के टर्म्स में भी क्या इसमें नई स्पेशल चीज़ें हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं BitenTech YouTube चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है JWT, कैसे काम करता है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्या इसमें, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब जान लेंगे और आपको क्यों ये जानना ज़रूरी है वो पता चल जाएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जब चीज़ें यूज़र स्पेसिफिक हो जाती हैं, तब आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है एप्लीकेशन में। अब चाहे वो यूज़र ने पासवर्ड दो, आप ईमेल पासवर्ड दो, किसी भी तरीके से जब आप ये डिटेल सही देते हो तो सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेशन IDs। जब ये चीज़ें सही डालते हो आप, तो वो आपको एक सेशन ID प्रोवाइड करता है और बोल देता है कि आप इसको अपनी कुकी में रख लो। तो फिर जब उसके बाद हर सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट में आप उस कुकी को भेजते हो सर्वर के पास, और उसमें वो चेक करता है सेशन आईडी। अब सेशन आईडी देख करके वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग यूजर आईडी क्या है, यूजर नेम क्या है, प्रिविलेज लेवल क्या है और बहुत सारी चीज़ें, और फिर उसके हिसाब से एक्शंस परफॉर्म करता है। इसको ऐसा समझ लो कि आपका आधार नंबर है, मतलब गवर्नमेंट के पास आपकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, नाम, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। तो जब भी आपको कुछ एक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है अपना, तो आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल को अपना आधार नंबर बताओगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिटेल्स हैं उसके पास डेटाबेस में, वो चेक करेगा कि ये किसकी डिटेल्स हैं, किसका नंबर है, और फिर वो प्रॉपरली कुछ ऑथेंटिकेट करके वो सारी डिटेल्स को चेंज कर देगा उस करस्पॉन्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स उसके पास हैं। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही तो काम कर रहा है, मेरा काम तो हो रहा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो इसमें एक अजम्पशन लिया हुआ है कि अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को देखोगे तो एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, मोनोलिथिक सर्वर एज्यूम किया जाता है। लेकिन आजकल का मॉडर्न आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है कि लाइक एक ही सर्वर नहीं होता, ज़रूरी है कि एक ही सर्वर हो, सर्वर के पास मल्टीपल फिजिकल सर्वर हो सकते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक एक रिवर्स प्रॉक्सी है, लाइक अ लोड बैलेंसर, एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है और मल्टीपल अपस्ट्रीम सर्वर हैं आपके वेब सर्वर की तरह काम कर रहे हैं, वो तो किसी भी सर्वर पर आपकी रिक्वेस्ट जा सकती है कभी भी, डिपेंडिंग अपॉन द लोड। तो मान लेते हैं कि मेरा जो पहला रिक्वेस्ट है जहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, वो सर्वर ए पे गया, सर्वर ए पे मैंने ऑथेंटिकेट किया और उसको पता है कि मेरा सेशन आईडी क्या है, उसके डेटाबेस में है, ठीक है, मेरा ऑथेंटिकेशन उसके पास है, मेरे पास सेशन आईडी है। अब दूसरी रिक्वेस्ट क्या हुई कि मैं सेशन आईडी जब भेज रहा हूँ तो वो सर्वर बी पे चला गया, सर्वर बी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, सर्वर बी से मैं ऑथेंटिकेट नहीं हुआ हूँ, सर्वर ए से हुआ हूँ, तो बी के पास कोई तरीका ही नहीं है मुझे मतलब पता करने का कि मैं कौन हूँ, फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इसका या तो आप एक सॉल्यूशन लगाओ कि आप रेडिस सर्वर यूज़ करो, शेयर्ड कैश यूज़ करो, मतलब सारे सर्वर एक ही कैश यूज़ करेंगे, वहीं पर सारी सेशन आईडी की डेटा वो अपडेट करेंगे,
इसमें प्रॉब्लम वही है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, अगर वो सर्वर डाउन हुआ तो सब कुछ खत्म। एक और सॉल्यूशन है कि आप क्या करो कि एक स्टिकी सेशन टाइप का एक मैकेनिज्म यूज करो कि यूजर इस यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है जिस सर्वर में पहली बार गई है उसी सर्वर पे बाद में जानी चाहिए, सब्सिक्वेंटली सारी रिक्वेस्ट उसी सर्वर पे जानी चाहिए। ये सॉल्यूशन देखा जाए तो स्केलेबल नहीं है। जब हम माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स की बात हो जाती है, तो उस टाइम पर ये स्केलेबल नहीं होगा। ये दोनों सॉल्यूशन काम नहीं करने वाले रियल वर्ल्ड में। इसका एक सॉल्यूशन ये सोच सकते हो आप कि जब क्लाइंट को आप आधार नंबर दे रहे थे उसके बजाय आप सारे डिटेल्स उसको दे दो, मतलब पूरा का पूरा ऑथराइजेशन क्लाइंट पे छोड़ दो, आप उसको अपना नाम भी दे दो, उसका फ़ोन नंबर भी दे दो, उसको वो सारे डिटेल दे दो जो आप खुद चेक कर रहे थे डेटाबेस में आधार नंबर के करस्पॉन्डिंग। तो जब भी उसको कुछ एक्शन परफॉर्म करना होगा वो पूरा चिट्ठा लेके आएगा, अपनी पूरी स्टोरी बताएगा, नाम बताएगा, फ़ोन नंबर बताएगा, आधार नंबर बताएगा, सब कुछ बताएगा, उसके हिसाब से अपना एक्शन परफॉर्म करेगा वो आपके तरफ से। फिर क्लाइंट से ये सारे डिटेल लेकर के वो गवर्नमेंट ऑफिशियल उसका काम कर देगा, वो कुछ भी स्टोर नहीं करेगा अपने डेटाबेस में क्लाइंट के बारे में। तो इसमें इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप बताओ कि जब सब कुछ क्लाइंट के ऊपर है तो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है। मतलब मेरी डिटेल्स किसी को पता चल गई, मेरा सारा नंबर फ़ोन नंबर किसको भी पता चल गया तो वो मेरे बिहाफ में पूरी स्टोरी बता देगा और बोलेगा कि फ़ोन नंबर चेंज कर दो। मतलब सब कुछ क्लाइंट ही बता रहा है तो ये कोई तरीका नहीं है किसी को वेरीफाई करने का कि ये कौन दे रहा है। मतलब ये जो चिट्ठी उस ऑफिशियल ने दी थी डिटेल्स वाली, जिसको दी थी वही आकर के वापस दे रहा है, इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है। इसमें पैदा होते हैं ट्रस्ट इश्यूज। इन ट्रस्ट इश्यूज को टैकल करने के लिए क्या किया गया, सिग्नेचर यूज किए गए। मतलब साइन कर दो, गवर्नमेंट ऑफिशियल साइन कर देगा उस पेपर में और दे देगा क्लाइंट को। अब वो सिग्नेचर तो वो ऑफिशियल ही कर सकता है। तो यही होता है JWT में। जब भी क्लाइंट ऑथेंटिकेट करता है सर्वर के साथ कोई भी मैकेनिज्म से, बी इट लाइक यूजर नेम पासवर्ड कन्वेंशनल तरीका या OAuth हो सकता है, किसी भी तरीके से ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसके बाद सेशन आईडी देने के बजाय वो पूरी इन्फो क्लाइंट को दे दो जो उस आईडी से निकालनी थी सर्वर को डेटाबेस में जा करके, वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो क्लाइंट को और उसको वो जेसॉन फॉर्मेट में स्टोर कर लेगा। जेसॉन फॉर्मेट में पूरी इन्फॉर्मेशन दो और वो अपने कुकी में या लोकल स्टोरेज में जहाँ भी उसको स्टोर करना है वो स्टोर कर लेगा, और वही चीज़ें वो बार बार सर्वर को देगा जैसे वो सेशन आईडी देता था। कुकी में स्टोर हो गया तो हर रिक्वेस्ट पे वो JWT टोकन, जिसको टोकन बोला जाता है ये सारी इंफॉर्मेशन को, ये टोकन के साथ सारी चीज़ें जाएंगे सर्वर के पास हर रिक्वेस्ट पे। सर्वर को यहाँ पर कुछ भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरली जो टोकन्स होते हैं वो HTTP हेडर में ट्रांसफ़र होते हैं, ऑथराइजेशन हेडर में, और इसको कोई फोर्ज नहीं कर सकता या CSR वगैरह अटैक्स नहीं हो सकते इसमें। तो अब हर रिक्वेस्ट पे क्लाइंट सब कुछ बताता है, लाइक ये लो मेरा यूजर नेम, ये लो मेरा यूजर आईडी, ये लो मेरा प्रिविलेज लेवल और ये काम करके दो। और ये सब चीज़ें साइंड होती हैं सर्वर की सीक्रेट की के साथ जो सिर्फ सर्वर को पता है। इसके भी बहुत सारे मतलब बहुत नहीं कुछ मैकेनिज्म हैं इसके, लाइक पब्लिक प्राइवेट की पेयर या सीक्रेट की पेयर भी हो सकता है कभी कभार। तो ये सिर्फ सर्वर को पता है और वो वेरीफाई कर सकता है इसको। मतलब जब भी ये साइंड सीक्रेट सेंड होगा, साइंड पेलोड सेंड होगा सर्वर के पास, तो वो चेक करेगा, वैलिडेट करेगा इसको कि जो मैंने साइन किया था वही है कि नहीं, और उसके हिसाब से फिर एक्शन लेगा। तो अब सेशन आईडी और JWT के बीच में कॉन्ट्रास्ट समझ में आया आपको। मतलब बेसिकली सेशन आईडी जो है वो एक रेफरेंस टोकन है, मतलब इस टोकन के करस्पॉन्डिंग जो डिटेल्स हैं वो चेक करो और उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करो। लेकिन JWT एक्चुअल में वो सारी वैल्यूज कंटेन करता है जिसको सेशन आईडी रेफरेंस कर रहा था, उसमें सारी वैल्यूज इटसेल्फ होती हैं। तो अब आते हैं इसकी टेक्निकल डिटेल्स पे, ये कैसा दिखता है, कैसे बनता है और क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो देखो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, मतलब ये बेसिकली एक जेसॉन फॉर्मेट का टोकन है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। अगर आपको JWT के बारे में पढ़ना है ना तो JWT.io ये बेस्ट वेबसाइट है मेरे हिसाब से, जहां पर आप इनके साथ खेल सकते हो, इनको एनकोड डीकोड कर सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो कि कैसे बने हैं, क्या स्ट्रक्चर है इनका। मतलब बहुत ही एक इंटरैक्टिव, रियल टाइम में आप इनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और मतलब जान सकते हैं बेसिकली पढ़ने के लिए। मैं आपको रेफरेंस के लिए JWT का एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो कि आपको जेसॉन फॉर्मेट में नहीं लग रहा होगा क्योंकि वो है भी नहीं। मतलब ये Base64 एनकोडेड है और ये हर टाइम पर ऐसे ही ट्रांसफर होता है, मतलब URL सेफ है। Base64 में एनकोड करने का रीज़न ही वही है कि URLs में ये कुछ मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह के साथ, तो इसको एनकोड करके ही ट्रांसफर किया जाता है। ये पीरियड से, इसके सारे जो पार्ट्स हैं ना ये पीरियड साइन से सेपरेटेड होते हैं। मतलब दो पीरियड साइन दिखेंगे आपको और टोटल तीन पार्ट्स हो जाते हैं इसके, तीन लॉजिकल पार्ट्स।
अब पार्ट की बात करें तो सबसे पहला पार्ट है हेडर। ये बहुत ही छोटा होता है और जेसोन फॉर्मेट में होता है। इसमें मोस्टली दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। पहला है टाइप, मतलब ये किस टाइप का टोकन है, JWT है इस केस में। दूसरा है आपका एल्गोरिथम, जो कि है साइनिंग एल्गोरिथम, कि सिग्नेचर बनाने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज किया गया है। मोस्ट कॉमनली HS256 होता है इसमें। इसका फुल फॉर्म है HMAC SHA-256। HMAC मतलब हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जो काफी सिक्योर है SHA-256 के साथ, जो आप जानते ही हैं। तो इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी इम्प्लीमेंटेशन हैं। RSA भी यूज होता है RS-256 के हिसाब से, और PS-256 भी होता है। तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, जो भी यूज करो बस सिक्योर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये दो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। दूसरा पार्ट है पेलोड। पेलोड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जो आपको भेजनी है सर्वर को, एक्चुअल यूजर के डेटा। मतलब इसमें क्लेम बेस्ड डेटा आप बोल सकते हैं, क्लेम बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है इसमें। क्लेम्स का मतलब है जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो एक यूजर के बिहाफ में। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक कुछ रजिस्टर्ड क्लेम्स होते हैं कि ये टोकन जो है ये कब बना था, कब इशू हुआ था, IATA एक क्लेम है, और कब एक्सपायर होगा, EXP है, और भी सब और भी बहुत सारे टाइप के ऐसे क्लेम्स हैं। कुछ कस्टम क्लेम्स होते हैं जो आप यूज़र इन्फॉर्मेशन बनाते हो जिसमें, लाइक यूज़र नेम, यूज़र ID, रोल, लॉग्ड इन एस एडमिन वगैरह वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन जो आप भेजते हो वो कस्टम क्लेम में आती है। ये क्लेम्स का कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए यूज़ भी होते हैं। लाइक सिर्फ यही प्रोटोकॉल नहीं है जिसपे आप JWT यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। और कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आप पेलोड में नहीं डालोगे, लाइक वाइस आप कुकीज़ में नहीं डालते अपना पासवर्ड वगैरह, यहाँ पर भी आप नहीं डालोगे। तीसरा पार्ट है सिग्नेचर। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो आपने हेडर में बता दिया है, एल्गोरिथम में बता दिया है। उस एल्गोरिथम का यूज़ करके हेडर, पेलोड और सर्वर का सीक्रेट, इन तीनों को मिला करके आप कैलकुलेट करते हो अकॉर्डिंग टू योर हेडर एल्गोरिथम। तब जाकर के आपका सिग्नेचर बनता है, जिसमें इन्वॉल्व होगा सर्वर का सीक्रेट भी। इन सारी चीज़ों को जब आप Base64 एनकोड करके इस एल्गोरिथम को लगाते हो, तब जाकर सिग्नेचर बनता है और वो सिग्नेचर पार्ट में ऐड हो जाता है। ये बहुत ही सिक्योर बोल सकते हो आप, क्योंकि ये चीज़ें चेंज सिर्फ सर्वर कर सकता है। अगर किसी और ने चेंज किया, इन ट्रांजिट चेंज हुआ, या क्लाइंट ने भी चेंज किया, तो भी ये पता चल जाएगा सर्वर को, क्योंकि सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, सीक्रेट कुछ और है सर्वर के पास। और अगर आपने हेडर या पेलोड में कुछ चेंज किया तो भी ये सिग्नेचर चेंज हो जाएगा और सर्वर के पास अलग है, तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, वैलिडेट नहीं कर पाएगा, उसको पता चल जाएगा। तो ये तीनों पार्ट्स में से सिर्फ यही एक पार्ट है जिसको आप टेम्पर नहीं कर सकते, और बाकी दोनों पार्ट को भी अल्टीमेटली नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। और आप अगर ये सोच रहे हो कि आप पेलोड में कुछ मैनिपुलेट करके फिर से सिग्नेचर कैलकुलेट करके भेजो, तो कैसे करोगे, क्योंकि ये जो सीक्रेट है वो सर्वर के पास है, आपको सीक्रेट पता नहीं है, तो कैसे करोगे। तो अगर पूरे कंसेप्ट को समराइज किया जाए तो इसको ऐसा समझ लो कि जब भी क्लाइंट ऑथेंटिकेट करता है किसी भी मैकेनिज्म से, तो सर्वर उसको चेक करेगा डेटाबेस में कि ये जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो सही है कि नहीं, और फिर वो आपको ये बोलेगा कि हाँ, सक्सेसफुली मैंने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है, अब मैं आपको ये दे रहा हूँ एक टोकन JWT का, अपने पास रख लो, और सब्सिक्वेंटली जो भी, मतलब जब भी आप मेरे पास आओगे इसके आगे, तो मुझे ये टोकन देना, उसके बाद मैं ये देख के आपको आइडेंटिफाई करूँगा, और उसी से उसके बाद अपना स्टेट चालू करूँगा आपके हिसाब से। और ये ऑथेंटिकेशन के बाद होता है, ऑथराइजेशन के फेज में होता है, ठीक है। बहुत लोगों ने आपको गलत बताया होगा, ये ऑथराइजेशन में यूज़ होता है, ऑथेंटिकेशन में नहीं। और क्लाइंट उसको लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकी स्टोरेज कहीं भी स्टोर कर लेगा। जब भेजने की बारी आएगी तो वो हेडर में भेजेगा, HTTP हेडर ऑथराइजेशन में भेजेगा, जो बीयरर से चालू होता है, ठीक है। और जब ये सर्वर के पास पहुंचेगा तो सर्वर इसमें से हेडर और पेलोड निकाल करके अपना खुद का सीक्रेट जो उसके पास था उनको ऐड करेगा, तीनों को Base64 एनकोड करेगा, और उसी एल्गोरिथम से सिग्नेचर निकालेगा जो उसके हेडर में था, और जो ये सिग्नेचर निकला उसको उससे कंपेयर करेगा जो उस टोकन में पहले से था। अगर वो दोनों सेम है तो टोकन वैलिड है, वरना नहीं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि आपने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन ओपन कर दी है, लाइक आपने ऑथराइजेशन पूरा उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो ऑब्वियस है बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा यहाँ पर नहीं डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है, लाइक पासवर्ड,
अकाउंट नंबर जोश जोश में, जैसे कि आप कुकी में नहीं डालते थे वैसे यहाँ भी नहीं डालना है, और सर्वर को सिर्फ उतना बताना है जितना उसको लगेगा आपको पहचानने के लिए, लाइक यूजर आईडी वगैरह वगैरह। और जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई और बंदा किसी और की डिटेल्स लेके दिखा रहा है आपको तो कैसे आप वैलिडेट करोगे, उसके लिए आपने सिग्नेचर लगाया था। लेकिन अगर सिग्नेचर के साथ वाला ही जो डिटेल है वो उठा ले, वो लाइक टोकन जो साइंड है वही उठा ले, तो फिर कैसे करोगे? लाइक सेशन हाईजैकिंग होता है ना, यहाँ पे सेशन बचाने के लिए आप क्या करते हो, आप TLS लगाते हो, एनक्रिप्शन लगाते हो ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो यहाँ पर भी वही करना है कि आप JWT जब भी यूज़ करो तो एनक्रिप्शन होना चाहिए। ये टोकन भी अगर लीक हो गया तो कोई नहीं बचा सकता, वैसे सेशन हाईजैकिंग, वैसे JWT हाईजैकिंग भी हो जाएगी। तीसरा जो कंसर्न है बहुत स्पेसिफिक है JWT के लिए। यहाँ पे सेशन में क्या होता है कि आप लॉग आउट कर सकते हो, लाइक उसका एक टाइम पीरियड होता है कि सेशन अगर प्योरली सेशन बना रहे हो तो जब ब्राउजर क्लोज करोगे अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, सेशन इनवैलिडेट हो जाएगा, उसके बाद वो सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता है, या कुकी भी बताते हो तो उसका एक्सपायरी टाइम आप दे सकते हो ना। लेकिन यहाँ JWT में आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है लॉग आउट करने का, लाइक यहाँ पर सर्वर के पास कुछ स्टोर्ड है ही नहीं, तो वो किस चीज़ को लॉग आउट करेगा, किस चीज़ को इनवैलिडेट करेगा, उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इस केस में एक सॉल्यूशन ये है कि आप एक क्लेम यूज़ करो EXP नाम से, एक्सपायरेशन टाइम, उसमें टाइम स्टैम्प होता है कि ये कब एक्सपायर होगा, वो टाइम स्टैम्प उसमें होता है, वो टाइम स्टैम्प से आगे बढ़ जाओगे तो सर्वर को पता चल जाएगा, वो इनवैलिडेट कर देगा उसको। एक वर्क अराउंड और है इसका कि आप एक ब्लैकलिस्ट मेंटेन करो, सारे उन टोकन्स को आप स्टोर कर लो जो इनवैलिडेट हो चुके हैं या जो वैलिड नहीं है, उनको आप यूज़ करो। ये एक वर्क अराउंड है, पहले वाला तरीका ही आप यूज़ करो तो सही है। अब जो चौथे और पांचवे कंसर्न्स हैं वो एक्चुअल में कंसर्न्स हैं जिन पे रिसर्च चल रही है। अब मैं किसी भी तरीके से अगर सर्वर को ये बताऊं या फोर्ज करूं कि तू सिग्नेचर कैलकुलेट मत कर, एज इट इज़ जो हेडर और पेलोड में है उसको एक्सेप्ट कर, मतलब एज अ टाइप ऑफ एल्गोरिथम जिसमें HS256 था उसमें अगर कोई वीक एल्गोरिथम में डाल दूं या नन एल्गोरिथम डाल दूं, कुछ एल्गोरिथम लगा ही नहीं है या सिग्नेचर कैलकुलेट हुआ ही नहीं है। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस में पहले के टाइम पर ये काम करता था और आज भी काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन में काम करता है, हालांकि बहुत रेयर हो चुका है आज, लेकिन अब भी ये सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है कि जब सिग्नेचर कैलकुलेट नहीं होता है कुछ भी आप टेम्परिंग करो सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा, सिग्नेचर कैलकुलेट नहीं करेगा, ये सिग्नेचर फोर्जिंग है। अब अगर मैं पांचवें कंसर्न की बात करूं कि आपने जो सीक्रेट बनाया है, सर्वर ने जो सीक्रेट बनाया है वो सीक्रेट यूज़ कर रहा है सिग्नेचर कैलकुलेट करने के लिए, अगर मैं सिग्नेचर को भी चेंज करना चाहूं एज एन अटैकर, मैंने अगर कुछ टेम्परिंग की है और मैं सिग्नेचर को भी उसके हिसाब से चेंज करना चाहूं तो मैं उसे ब्रूट फोर्स कर सकता हूं, लाइक मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सीक्रेट चाहिए। तो सीक्रेट के लिए बाकी सारे डिटेल्स हैं मेरे पास, हेडर है, पेलोड है, एल्गोरिथम है, मुझे बस उस चीज़ को ब्रूट फोर्स करना है। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा, अगर वो सीक्रेट वीक हुआ, छोटा हुआ या किसी भी तरीके से ब्रूट फोर्सेबल हुआ तो वो क्रैक हो जाएगा, अब वो इम्प्लीमेंटेशन काम नहीं आएगा, आपका सीक्रेट पता चल गया मुझे। तो इसलिए ये सब कंसर्न्स आगे चल के हम देखने वाले हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ये JWT काम कैसे करता है और जो पॉसिबल सिक्योरिटी कंसर्न्स है उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इस वीडियो में बस इंट्रो देना था, आई होप आपको समझ आया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा JWT क्या होता है, कैसे काम करता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हैंड्स ऑन देखेंगे। ठीक है, लैब में मतलब सिस्टम में ले जाऊंगा आपको, तब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे वीडियोस आपको आगे भी चाहिए साइबर सिक्योरिटी पे, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे, टेक्निकल चीज़ें डिटेल में समझने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो सब्सक्राइब बटन दबा दें, तो बाकियों को भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।